अमेठी मुख्यमंत्री आवास के लिए किया ऑनलाइन आवेदन, टाप डीओ ने लगाई रिपोर्ट की पाकिस्तान आपकी आपकी सेवा में। मामला जिले के विकास खंड शाहगढ़ के ग्राम शमशेरियन का है। आवेदक जगदीश गुप्ता मुख्यमंत्री आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। तत्पश्चात उस समय की खंड विकास अधिकारी बीडीओ उर्मिला सिंह ने रिपोर्ट लगाया कि पाकिस्तान लगा आपकी सेवा में यह एक जिम्मेदार अधिकारी की लगाई गई आख्या है। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिकारी के मन में जो आता है वही रिपोर्ट लगा देते हैं। उस समय के बीडीओ उर्मिला सिंह ने यह रिपोर्ट लगाई। पीड़ित आवेदक दर दर भटकने को मजबूर है, अधिकारी मस्त है। पीड़ित को दौड़ते दौड़ते एक वर्ष होने को आ गया। आवास तो मुहैया नहीं हो सका, लेकिन आवेदक को पाकिस्तान का नाम देकर देशद्रोही बना दिया। बाइट जगदीश गुप्ता अमेठी से, धर्मेंद्र शर्मा के साथ जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह। इस समय मौजूद हैं जिले के विकासखंड सागढ़ के ग्राम सभा शमशेरियन में। यहाँ एक व्यक्ति पीड़ित हैं, इनका नाम जगदीश गुप्ता है, जो कि इन्होंने मुख्यमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था ऑनलाइन। उस पर बीडीओ साहिबा ने रिपोर्ट लगाया कि आपकी सेवा में पाकिस्तान पेश किया जाता है। किस दिलो दिमाग से उन्होंने ये रिपोर्ट लगाया है, समझ के परे है ये। पाकिस्तान का शब्द प्रयोग करना उनके लिए कितना अच्छा है ये तो हमारी भी समझ में नहीं आता है। हम अब पीड़ित से ही जानते हैं कि किस विषय पर यह रिपोर्ट लगी है। क्या नाम है आपका? जगदीश गुप्ता। ये जो आपने मुख्यमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, तो इस पर बीडीओ साहब ने किस विषय पर रिपोर्ट लगा दिया ये? अब ये तो मेरे को भी नहीं पता किस विषय पर इन्होंने पाकिस्तान लगा आपकी सेवाओं में पेश किया जा रहा है, ये ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमने इसकी जानकारी जिला अधिकारी महोदय को भी बताया, लेकिन उन्होंने डीडीओ बंसीधर को डाउन मार किया, परंतु उन्होंने इस लेटर को दबा लिया। हमने जिले के सभी समस्त अधिकारियों को बताया, लेकिन हमारे घर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें केवल ग्राम प्रधान और सभी अधिकारियों की मिलीभगत से हमारे घर का निर्माण नहीं हो रहा है। क्या आपने फिर ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ साहब से मुलाकात किया? हमने कई बार बीडीओ साहब से, ग्राम विकास अधिकारी से, सीडीओ से, पीडी साहब से, जिला अधिकारी से, सभी से मुलाकात किया, लेकिन हमारी गरीब पात्रता को देखते हुए इन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। ऐसा क्यों जो आपको आवाज़ नहीं मिल रहा है, क्यों लोग खिलाफत कर रहे हैं आपकी, इसका क्या रीज़न है? रीज़न अब ग्राम प्रधान हमारे विपक्ष में है। हमने तो आवास मांग किया, लेकिन इस पे जो है कि ग्राम प्रधान की वजह से हमें आवास नहीं मिल रहा है। सूत्रों से पता लग रहा है कि आपको शौचालय मिला हुआ है, लेकिन आपने शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं किया है, क्या कारण है? शौचालय का निर्माण इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ से पानी निकलना संभव है। खड़ंजा जो है बिल्कुल खड़ंजा बिल्कुल नीचाकरण हो गया है, खड़ंजे पे पानी भरा रहता है, इसीलिए अभी तक हमने निर्माण नहीं कराया हूँ। निर्माण कराऊंगा, हमारा आवास भी बन जाए, हम शौचालय का निर्माण कराऊंगा और हमारे यहाँ से नाली जो है पानी के लिए नाली निकाली जाए। इसकी जानकारी हमने सभी अधिकारियों को दिया, लेकिन नाली का निर्माण भी नहीं करवा रहे हैं। इस सब के पीछे ग्राम प्रधान का और ग्राम सचिव का और बीडीओ का हाथ। क्या नाम है आपका? मोहनी देवी। ये जगदीश गुप्ता किसके मकान में रहते हैं? है अपने भाई के मकान में। इनका मकान नहीं है? नहीं, इसका मकान गिरा हुआ है। ठीक भैया, क्या नाम है आपका? राणा। ये जगदीश गुप्ता आपके पड़ोसी हैं? हाँ जी। ये किसके मकान में रहते हैं? ये दूसरे के मकान में रहते हैं। लोग तो कहते हैं कि उन्हीं का मकान है ये? नहीं, भाई का है उनका। गाँव वाले भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उन्हीं का मकान है? नहीं, उनके भाई का है, इनका तो गिरा हुआ है।